गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? वेरी गुड। ओके, गुड इवनिंग शिल्पा मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। सो एनी डाउट इन प्रीवियस सेशन? Any doubt? I'm good. Okay. आई एम गुड, थैंक यू मैम। नहीं कोई बात नहीं, हमने तो अभी जस्ट क्लास लॉन्च किया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन ऑफ 2018। ठीक है, 2018 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सएमएल, ये सारे क्वेश्चन मैं एक्सएमएल के टाइम ही डिस्कस कर दूंगी आपको। सो हियर इज द वन प्रोग्राम फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक आपका ये प्रोग्राम है। What is the output of the following C program? Assume that little endian representation in a multi-byte data in which the least significant bit is stored in the lowest memory address. In the lowest memory address. So what will be the output for this program? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हाँ जी। So सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिटिल एंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, लिटिल एंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लिटिल एंडियन एंड द बिग एंडियन रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द टू रिप्रेजेंटेशन इन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर वी स्टोर द डेटा। सो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटिल एंडियन। ठीक है, यदि मैं लिटिल एंडियन की बात करूं, सो इन लिटिल एंडियन एक्चुअली व्हाट हैपन ना, कि यू नो ये आपको पता है। ठीक है, दिस पोजिशन इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस पोजिशन इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट। सो नाउ वी विल डिवाइड इट इन टू द बाइट, और बिट्स भी बोल सकते हैं, बाइट्स भी। ठीक है, सो सपोज दिस इज, या ये आप तीन नंबर ले लीजिए। ठीक है, यू हैव लाइक दिस वन, यू हैव 1 byte, 2 byte एंड 3 byte। सो दिस वन विल बिकम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अज्यूम दैट लिटिल इंडियन रिप्रेजेंटेशन द मल्टी बाइट डेटा इन विच द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट स्टोर्ड इन द लोएस्ट एड्रेस ऑफ मेमोरी। सो सपोज आई हैव अ डेटा। ठीक है, मेरे पास कुछ डेटा है। सपोज आई एम राइटिंग आई हैव अ डेटा ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी आपने डेटा लेकर रखा हुआ है। सो सी सी का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बिकम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, एंड द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए विल बिकम मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। सो नाउ इन द मेमोरी स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, जब आप मेमोरी स्टोरेज की बात करोगे, मेमोरी स्टोरेज की बात करोगे, सो सपोज वी हैव, दिस इज द एड्रेस 00, दिस इज द एड्रेस 01, दिस इज द एड्रेस 10, दिस वन इज द 11, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, द लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इन द लोएस्ट एड्रेस। तो सी कहाँ स्टोर होगा, इस लोकेशन पर। बी कहाँ स्टोर होगा, इन द नेक्स्ट लोकेशन। ए कहाँ स्टोर होगा, इन दिस लोकेशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द लीस्ट
दिस इज कॉल्ड द लिटिल एंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिटिल एंडियन रिप्रेजेंटेशन, और इसका जस्ट अपोजिट आपका बन जाता है बिग एंडियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बिग एंडियन रिप्रेजेंटेशन में आप क्या बोलते हो कि व्हाट व्हेनेवर द एड्रेसिंग मेमोरी और सेंडिंग और स्टोरिंग द वर्ड इन द बाइट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइट कंटेनिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट बिट इज स्टोर्ड इन द लोएस्ट एड्रेस, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस, यदि मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट की बात करूं, ये दिस इज द एलएसबी रिप्रेजेंटेशन, इन एमएसबी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या था, ए, इट शुड बी स्टोर्ड एट द लोएस्ट एड्रेस एंड बी एंड सी, दैट्स इट, इज इट क्लियर, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट की मोस्ट लिटिल एंडियन, सॉरी व्हाट इज दिस, ठीक है, बिग एंडियन एंड लिटिल एंडियन, ठीक है। इस पर पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी वैरायटी के, इज इट क्लियर, लिटिल एंडियन एंड बिग एंडियन, नहीं रिपीट करूं, ना, चलिए, वेरी गुड। सो सी इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट, सो इफ दे आर आस्किंग, ठीक है, कि अज्यूम दैट दिस इज द शॉर्ट एंड ऑक्यूपाई द 2 byte ऑफ द स्टोरेज, हियर वी हैव मैन फंक्शन, इनसाइड दैट वी हैव यूनियन, इनसाइड दैट वी हैव यूनियन एंड शॉर्ट इंटीजर 1 एंड कैरेक्टर इज ऑफ 2, ठीक है। सो शॉर्ट भी आपका 2 byte का है, कैरेक्टर भी 2 byte का है, सो व्हेन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनियन, हाउ मच मैक्सिमम मेमोरी कितनी अलोकेट होगी, ठीक है, हाउ मच मैक्सिमम मेमोरी इज गोइंग टू बी अलोकेटेड हियर, सो यू कैन सी, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम मेमोरी विल बी अलोकेटेड हियर विल बी 2 byte बिकॉज दिस इज द केस ऑफ यूनियन, ठीक है, ये किसका केस है, यूनियन का है, सो हियर वी हैव कैरेक्टर विल बी ऑफ 2 byte एंड इंटीजर शॉर्ट इंटीजर विल बी ऑफ 2 byte, सो नाउ सी, अज्यूम दैट दिस इज द लोएस्ट एड्रेस, दिस इज द लोएस्ट एड्रेस, दिस इज द हाईएस्ट एड्रेस, नाउ वी आर स्टोरिंग m.20, ओके, एंड देन m.21, दिस विल बी द अरे, ठीक है, यहां आपका 0th इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, इन 0 इंडेक्स दे आर स्टोरिंग द 5 एंड देन दे आर स्टोरिंग 2, ओके, 5 एंड 2, सो अब हमको ये देखना है कि वेयर वी विल स्टोर 5, वेयर वी विल स्टोर 2, लोएस्ट एड्रेस पर 2 स्टोर होगा या 5, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको लिटिल एंडियन फॉर्मेट का, मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा कहाँ स्टोर होता है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डेटा कहाँ स्टोर होता है, most significant data and least significant data in the little endian format, in the little endian format, dekhiye this will become least significant, this will become most significant, so it will store in the lowest address, that is 2,
सॉरी सॉरी, हाँ, एंड दिस विल बिकम 5, 5, ठीक है। व्हेन वी विल रीड द डेटा, तो आप इसका भी बाइनरी कन्वर्जन करिए, इसका भी बाइनरी कन्वर्जन करिए, एंड देन गिव द डेटा। यस, पहले, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपने क्या बोला कि इन द लिटिल इंडियन फॉर्मेट, 5 विल स्टोर इन द लोएस्ट एड्रेस, 5 विल स्टोर इन द लोएस्ट एड्रेस एंड 2 विल स्टोर इन द नेक्स्ट हाईएस्ट एड्रेस। सो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, सॉरी, 5 विल बिकम, अच्छा 0 है इसलिए इट शुड बी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैंने उल्टा बता दिया। 5 शुड स्टोर इन द लोएस्ट एड्रेस, 5 शुड स्टोर इन द लोएस्ट एड्रेस एंड 2, एंड वी ऑलवेज रीड, ठीक है, लाइक दिस 5 एंड 2। इसका आप बाइनरी लिखेंगे, ठीक है, इसका आप बाइनरी लिखेंगे एंड देन यू विल ट्रांसलेट इट। तो इन्होंने बोला प्रिंट है %d% m.2.0, m.2.0 ऑलरेडी 5 है, m.2.1 ऑलरेडी 1 है, बट m.1 मतलब कंप्लीट लोकेशन क्या है, तो इट इज 5 एंड 2। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन करिए, ठीक है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करिए, दैट विल गिव यू दिस इज 2 एंड दिस इज 1001। सो व्हेन यू विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, आपको मिलेगा 517, ठीक है, आपको क्या मिलेगा 517। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज और याद रखिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं कि इन द लिटिल इंडियन फॉर्मेट, इन द, सबसे पहले इंडियननेस क्या बता रहा है, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ बाइट आर अरेंज इन द लार्जर न्यूमेरिकल हुज स्टोर्ड इन द मेमोरी और व्हेन ट्रांसमिटेड ओवर द लिंक। बिग इंडियन, इन बिग इंडियन व्हाट वी आर सीइंग कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज स्टोर्ड इन द लोएस्ट एड्रेस एंड सेंड फर्स्ट, ठीक है, एंड सेंड फर्स्ट। एंड इन द लिटिल इंडियन फॉर्मेट, एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, द सीक्वेंस एड्रेस सेंड्स एंड स्टोर इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट एट द लास्ट, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसको मैंने एक दिन और करवाया था आपको। वी हैव 3 स्वैप प्रोग्राम, ठीक है, वी हैव 3 स्वैप प्रोग्राम। गिवन बिलो आर द 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्वैप, void swap integer a and integer b is given, ठीक है, program b and program c. Now which of the following would actually swap the content of 2 integers of variable p and q? Actual swapping कहाँ perform होगी? Actual swapping where does the actual parameter will get the swap? तो first जो case है, किसका case है? This is the case of call by value. ठीक है, आप देख पा रहे होगे, कॉल बाय वैल्यू है, हियर वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू दैट विल बी कॉपीड इनटू ए एंड विल बी कॉपीड इनटू क्यू। सो व्हेनेवर वी हैव कॉल बाय वैल्यू, जब भी आपके पास कॉल बाय वैल्यू होता है, फॉर्मल पैरामीटर गेट चेंज, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज होता है, एक्चुअल पैरामीटर विल रिमेन एज इट इज। तो मतलब पी एंड क्यू का कंटेंट एज इट इज रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी स्वैप्ड, ठीक है, ये स्वैप नहीं होगा। Now we have second case. Here we have reference of A and reference of B. ठीक है, A will create a reference, B will create a reference. किसका? P and Q का. तो main and function से, from the main function, program will start. ठीक है, P is initialized with 0, Q is initialized with 1. Now we are passing reference of P. We are passing reference of P into A. So A will start pointing to P, and we are passing reference of Q to the B, so B will start pointing to the Q. Done? Itna aapka kya ho gaya? By reference. Now we have temp. Temp is a variable. Simply a variable. In temp, we are assigning the value of A. Ultimately, we are assigning the value of B. So temp will become 0. In A, we are assigning the value of B. A is pointing to the location jo ki P par hai. So isme aap value assign kar rahe ho B ka. What is B? B is pointing to Q. So here we will update with 1. ठीक है, इसको 1 कर दोगे and B equal to temp. तो A will become 1 and B will become temp, that is 0. So content किसका swap हुआ? Content swap हो गया P and Q का. So yes, this is the actual program that is performing the swapping. ठीक है, ये आपका actual program है that is performing the swapping. Is it clear? यहाँ swapping perform हो रही है.
यहाँ आपका स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है. नाउ इन द थर्ड ऑप्शन वॉइड स्वैप, हियर वी हैव रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, ये आपकी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, नॉट रेफरेंस, इट इज योर पॉइंटर. ठीक है, ये आपके क्या है, पॉइंटर. सो वेदर इट विल परफॉर्म द एक्चुअल स्वैपिंग. नाउ पॉइंटर वेरिएबल विल होल्ड द एड्रेस ऑफ पी एंड क्यू वेरिएबल. ठीक है, सो सपोज आई हैव पी, पी इज इनिशियलाइज्ड विद 0 एंड इट्स एड्रेस इज 100 एंड क्यू इज अ वेरिएबल एंड इट इज इनिशियलाइज्ड विद 1 एंड सपोज इट्स एड्रेस इज 200. 200. Now what we are doing, we are passing the reference or address of P and Q. So A is a pointer variable. So it will hold the address of P, that is 100. Okay, address of P, that is the 100. 100 ko hold karega. And B, that will hold the address of Q, that is 200. Now we are declaring another pointer variable temp. ठीक है, अनदर पॉइंटर वेरिएबल टेम. सो दिस इज द पॉइंटर वेरिएबल, इट कैन होल्ड द एड्रेस. सो व्हेन आई एम राइटिंग टेम्प इक्वल टू ए, व्हेन आई एम राइटिंग टेम्प इक्वल टू ए, व्हाट इज हैपनिंग, द एड्रेस दैट इज प्रेजेंट इन ए विल बी स्टोर्ड इन टेम्प वेरिएबल. व्हेन वी आर राइटिंग ए इक्वल टू बी, सो द वैल्यू इज प्रेजेंट और एड्रेस इज प्रेजेंट, बी विल बी असाइन टू ए. एंड व्हेन वी आर राइटिंग बी इक्वल टू temp, so the address stored in temp will be assigned here. So ultimately kya hua, address swapping has been performed. Address ka swapping perform hua, not the value. So that's why we will say it will not swap the content of P and Q. Okay, it will not swap the content of P and Q. And if I want to make ki bhai yahan par aapka content swap ho, to aap yahan laga dijiye dereference. Dereference. In that case, your content will get swapped. ठीक है, यदि आपने यहाँ dereference लगा दिया, तब ये program होगा जिसमें actual parameter का content change हो जाएगा. ठीक है, बताइए भाई यहाँ तक कोई doubt? नीतू मैम, सोनिया मैम, जया मैम. ठीक है, अभी ये सारे question तो आपने पहले भी किए होंगे. चलिए, वेरी गुड. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आज का मॉक दिया ना आपने, ठीक है, आज का मॉक. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं. इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज द वीक टाइप सिस्टम विद द स्टैटिक टाइप एंड, हाँ इवनिंग में दीजिए मैम, एंड जावा प्रोग्रामिंग हैज अ स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम विद द स्टैटिक टाइप. सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना, कि इन सी फर्स्ट वी डिक्लेयर द वेरिएबल. ठीक है, सॉरी इट इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, बट इन द सी प्रोग्रामिंग. ठीक है, इन द सी प्रोग्रामिंग व्हाट वी से कि टाइप कन्वर्जन इज पॉसिबल. ठीक है, टाइप कन्वर्जन इज पॉसिबल. सो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज मीन्स स्ट्रिक्टर टाइप रूल्स टू कंपाइल टाइम, विच इम्प्लाई दैट एरर्स एंड द एक्सेप्शन आर मोर लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग द कंपाइलेशन. मीनिंग इज दैट कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा. ठीक है, जो हमारा सी में हो जाता है, इन वीकली टाइप लैंग्वेज लूजर टाइपिंग रूल्स और मे प्रोड्यूस द अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट एंड मे परफॉर्म द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एट रन टाइम. सो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज डज नॉट अलाउ द टाइप कन्वर्जन. ठीक है, टाइप कन्वर्जन अलाउ नहीं करते, फोर्सफुली हो सकता है बिकॉज दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर. ओके, so here we have Java, C has Ada, Pascal, these are called the strongly typed language, है ना, and C support the implicit conversion and C also allow the pointer value to be explicitly cast while Java and Pascal do not allow. so the both statement are correct. ठीक है, both statement are correct. okay.
यहाँ तो पूरा जावा है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, द एसोसिएटिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, अरे एलिमेंट एक्सेस और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यू कैन आंसर दिस वन। यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देन लॉजिकल नॉट, अरे एक्सेस, यस अरे एलिमेंट एक्सेस, अरे एलिमेंट एक्सेस इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड, रेस्ट आर यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल एंड द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। देखिए यूनरी नेगेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है, इट इज राइट टू लेफ्ट, लॉजिकल नॉट, सिमिलरली एड्रेस ऑफ, इट इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड, बट द अरे एक्सेस एलिमेंट इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड। हाँ ये देखिए, कैन यू सॉल्व, अ मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डेटा इन ब्लैंक स्पेस, द क्लास ऑफ इन विच इट इज द मेंबर, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज द मेंबर, द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास, द प्राइवेट पार्ट ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, द क्लास इन विच इट इज द मेंबर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ क्लास, वर्चुअल फंक्शन कैन बी स्टैटिक, फंक्शन कैन बी एक्सेस यूजिंग पॉइंटर, एंड वर्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड इन बेस क्लास। सो यस, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, इट कैन नॉट बी स्टैटिक, इट कैन नॉट बी ग्लोबल, है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन सी प्लस प्लस, क्लास टेम्पलेट एंड द फंक्शन टेम्पलेट आर इंस्टेंशिएटेड इन द सेम वे, क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम द फंक्शन टेम्पलेट इन द वे दे आर इनिशिएटेड, क्लास टेम्पलेट इज इनिशिएटेड बाय द डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट, क्लास टेम्पलेट आर जनरली यूज फॉर द स्टोरेज क्लास, है ना। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लास टेम्पलेट एंड द फंक्शन टेम्पलेट आर इंस्टेंशिएटेड इन द सेम वे, है ना, ये सेम वे में होता है, क्लास टेम्पलेट डिफर फ्रॉम द फंक्शन टेम्पलेट इन द वे दे इनिशिएटेड, जस्ट अपोजिट टू दिस, सो दिस इज फॉल्स। नाउ क्लास टेम्पलेट इज इनिशिएटेड बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट यूजिंग द टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, यू सिंपली कॉल द टेम्पलेट विद द वेरिएबल फॉर विच यू वॉन्ट टू क्रिएट द डेफिनेशन, एंड क्लास टेम्पलेट आर यूज फॉर द जेनेरिक प्रोग्रामिंग, है ना, ये किसके लिए यूज होते हैं, फॉर द जेनेरिक प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टोरेज क्लासेस, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सो नॉट करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, वेरी गुड, नॉट करेक्ट। इज इट पॉसिबल टू डिफाइन द क्लास विद इन द क्लास टर्म एज द नेस्टेड क्लास, एंड देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेस्टेड क्लास।
ए यस वी हैव टू इनर इनर नेस्टेड क्लास एंड आउटर नेस्टेड क्लास, है ना, इनर नेस्टेड क्लास एंड आउटर नेस्टेड क्लास। ये तो आपका यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दी डीबीएमएस, ठीक है, तो ये गलती से यहाँ पर है। नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एवरी क्लास कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी डायरेक्टली इनिशिएटेड बाय न्यू ऑपरेटर, ट्रू है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएटेड कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट आर ऑलवेज ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज इट डू नॉट कंटेन द डेफिनेशन। एंड सिंस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। सो ए एंड वन एंड फोर इट इज फॉल्स एंड टू एंड थ्री इट इज ट्रू, ठीक है, टू एंड थ्री इज ट्रू। इज इट क्लियर, है ना। एवरी क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मीन्स अ मेथड विच डू नॉट हैव एनी बॉडी, है ना। या जैसे हम इसमें बोलते हैं सी प्लस प्लस वी हैव प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नथिंग, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच हैव ओनली डिक्लेरेशन बट डू नॉट हैव एनी बॉडी। सो एवरी क्लास कंटेनिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड इट डू नॉट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ आर फॉल्स। देखिए क्या होता है, विच वन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज असाइन टू अनदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। वेन वन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज असाइन टू द अनदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अ कॉपी ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड, अ कॉपी ऑफ रेफरेंस इज नॉट क्रिएटेड। इट इज इलीगल टू असाइन वन रेफरेंस वेरिएबल टू अनदर रेफरेंस वेरिएबल। नहीं, इसका आंसर होगा अ कॉपी। यस, अ कॉपी जब एक रेफरेंस वेरिएबल का दूसरे रेफरेंस वेरिएबल असाइन करते हैं, सो अ कॉपी ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड। यस, ठीक है, कॉपी ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड। सी दिस क्वेश्चन, कॉपी ऑफ रेफरेंस इज क्रिएटेड। ठीक है, सो आर यू सॉल्विंग इट, आंसर आप बोल रहे हो। देखिए, आई इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1, के वैल्यू इज -1, एक्स इज 0.5 एंड वाई इज 0.0.0। सो एक्स इंटू करना है, मतलब 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.0 से। देन वी हैव टू परफॉर्म लेस देन ऑपरेटर। देन आई प्लस जे एंड और के
के आई प्लस जे मीन्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आई और जे का वैल्यू पुट कर लीजिए. सो आई प्लस जे मतलब 0 प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 1, एंड इट शुड बी और आप ऑपरेटर आप लगा रहे हो, ठीक है, और ऑपरेटर विल बी देयर, ठीक है. सो इन और ऑपरेटर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ के -1, ठीक है. हाँ, ट्रू मीन्स 1, ट्रू मीन्स 1, एनी नॉन जीरो वैल्यू. नीतू मैम, एनी नॉन जीरो वैल्यू इज 1, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑपरेटर हैं. वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड वी हैव दिस इज वॉट लॉजिकल ऑपरेटर एंड द कंपेरिजन ऑपरेटर. तो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन कंपेरिजन एंड फाइनली लॉजिकल ऑपरेटर. सो वेन वी विल सॉल्व, है ना, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई, बिकॉज इट हैज द हाइएस्ट प्रायोरिटी. सो एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई विल गिव यू, ठीक है, ये क्या दे देगा आपको, इट विल गिव यू 0.0, ठीक है, 0.5 इंटू 0.0, इट विल गिव यू 0. नेक्स्ट व्हाट वी विल सॉल्व द कंपैरिजन, ठीक है. नेक्स्ट लेवल पर आप क्या सॉल्व करोगे, कंपैरिजन. सो नाउ 0 इज लेस देन 0 कंडीशन होगा, सॉरी, नेक्स्ट वी विल हैव एडिशन, सॉरी नॉट अभी कंपैरिजन नहीं, वी हैव 0 प्लस 1 एडिशन, इट विल गिव यू 1. नाउ परफॉर्म द कंपैरिजन. सो 0 प्लस 0 इज लेस देन 1, यस इट इज ट्रू. सो वी आर राइटिंग 1, 1 और -1, सो बोथ आर द ट्रूथ वैल्यू, इट विल गिव यू 1, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा, 1. वेरी गुड. सॉल्व दिस क्वेश्चन, गेट का एक क्वेश्चन है यहाँ पर. ठीक है, इट इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द रिकर्सन, ये आपका रिकर्सन पर बेस्ड है. कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड, ट्राई करिए फिर मैं बताती हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा. बी, चलिए ट्राई करते हैं. ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या बोला गया, वी हैव अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर इज ओके, वी हैव फंक्शन इज फन एंड लॉन्ग इंटीजर एंड वी आर पासिंग साइन लॉन्ग इंटीजर, थ्री वेरिएबल्स आर देयर, आई इज J इक्वल टू 0 एंड सम इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव द फॉर लूप, एंड देखिए जो ये दीज आर नॉट नेस्टेड लूप, इंडिपेंडेंट लूप्स हैं. तो यहाँ पर जो आउटर लूप, सॉरी दिस वन लूप, द फॉर लूप, इट विल स्टार्ट फ्रॉम आई इक्वल टू 1 एंड इट विल कंटिन्यू अंटिल आई इज ग्रेटर देन 1, एंड एवरी टाइम आई वैल्यू इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सो हाउ मेनी टाइम्स आर लूप इज गोइंग टू वर्क, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्योंकि जो जे की वैल्यू आएगी दैट विल बी द कंडीशन फॉर द सेकेंड लूप, ठीक है, दैट विल बी द कंडीशन फॉर द सेकेंड लूप.
सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन. एन वैल्यू इज व्हाट? 2 पावर 40. 2 पावर 40, वेदर 2 पावर 40 इज ग्रेटर देन 1? यस इट इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, 2 पावर 40 इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट टाइम ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हियर वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ जे. सो इन दिस केस जे विल बिकम 1. नाउ वी विल कम बैक टू, क्योंकि यहाँ सेमी कॉलन लगा है, सो वी विल कम बैक टू दिस कंडीशन. हम 2 पावर 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो इट विल बिकम 2 पावर 39. 2 पावर 39 इज ग्रेटर देन 1? यस, अभी भी कंडीशन ट्रू है. अगेन वी विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ जे, सो इट विल बिकम 2. नेक्स्ट टाइम अगेन वी विल डिवाइड 2 पावर 39 बाय 2 एंड इट विल बिकम 2 पावर 38. अगेन इट विल बी ग्रेटर देन 1, सो जे विल बिकम 3. एंड दिस विल कंटिन्यू कब तक? अंटिल आई विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू जे कंडीशन इज फॉल्स. मीनिंग इज दैट कि जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे फाइनली, है ना, 2 पावर 1 को 2 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 1. 1 इज ग्रेटर देन 1, देन द कंडीशन विल बिकम फॉल्स. Then only the condition will become false. So how many time this loop is going to be work? ठीक है, यदि मैं simple सा logic लगाऊं, so every time we are dividing by 2, so if I will take the log of 2 power 40, so 40 time my, ठीक है, in 40 times the value of n will become 1. ठीक है, so now j का value क्या हो जाएगा? 40. The value of j will become 40. Is it clear? अब क्या बोल रहे हैं कि again we have no initialization. J should be greater than 1. Yeah, j is greater than 1 है. And every time we have to perform j by 2. Okay, j को 2 से divide कर देना है. J को 2 से divide कर देना है. And we have to print the sum. ठीक है, we have to print the sum. So until j should become 1. So 40 को डिवाइड करिए 2, इट विल बिकम 20. 20 को डिवाइड करिए, इट विल बिकम 10. ठीक है, 8 to 10 हो गया. फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, इट विल बिकम 5. 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, देन इट विल बिकम 2. 2 बाई 2 विल बी गिव यू 1. सो हाउ मेनी टाइम दिस विल वर्क? सेकेंड लूप विल वर्क 5 टाइम. सो आंसर विल बी 5. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली 5. इज इट क्लियर? रिपीट तो नहीं करना. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, सो फर्स्ट लूप विल मेक द वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू 40 एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट लूप जे वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय 2 अंटिल जे विल बिकम लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, इट शुड बी लेस देन 1. सो इफ दिस इज द कंडीशन, सो एवरी टाइम वी विल डिवाइड, तो इन 5 डिवाइड ऑपरेशन द सम विल बिकम 5. चलिए इसको सॉल्व करिएगा. आंसर
वेरी गुड नीतू मैम. व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम ना, रिकर्सिव प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग. ठीक है, एक या दो इटरेशन में हमको समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में हो क्या रहा है या पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हो रहा है. सो जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि वी हैव फू इनसाइड इंटीजर एन, एन का वैल्यू यू हैव टू फाइव, यू हैव टू पास 345. ठीक है, 345 एंड द आर शुड बी 10. आर कितना हो जाएगा? 10. ओके, सो एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. यस, ठीक है, यहाँ आप सॉल्व करके देख सकते हो, 345 इज ग्रेटर देन 0. हाँ, 0. रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न करना है, यानी कि आपको अगेन फंक्शन को कॉल करना है. एन मॉड्यूलो आर, 345 मॉड्यूलो आर का मीनिंग क्या होगा? 5, है ना. 345 मॉड्यूलो आर विल गिव यू द रिमाइंडर 5. सो 5 प्लस फू को कॉल कर रहे हैं अगेन विद 345, विद 345 डिवाइड बाय 10, दैट विल गिव यू 34. सो फू इज कॉलिंग विद 34 एंड आर वैल्यू विल रिमेन सेम, यहाँ कॉमा आएगा, है ना. सो अगेन व्हेन वी आर कॉलिंग इट, अगेन 34 इज ग्रेटर देन 0. 34 यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ 34 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है. सो आई हैव टू रिटर्न, आई हैव टू रिटर्न 34 मॉड 10, या रिमाइंडर, ठीक है, जिसको आप रिमाइंडर बोल रहे हो. सो इट शुड गिव यू 4, ये आपको 4 देगा. एंड प्लस आप कॉल करोगे 3,10 को, ठीक है, 3,10. सो अल्टीमेटली ऑल द वैल्यू रिमाइंडर निकाल के ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए, कुछ गड़बड़ हुआ. ठीक है, सो इट विल गिव यू, ये आपको क्या दे देगा? 12. सभी का आया ना? जया मैम देखिए, हियर यू हैव 5 प्लस 4 प्लस 3, फाइनली यू हैव 0. 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है. सो इट दिस विल रिटर्न 0. ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 0. 0 प्लस 3 विल बी 3, 3 प्लस 4 विल बी 7, 7 प्लस 5 विल बी 12. ठीक है, इट विल बी 12. ठीक है, ये तो जावा के साथ करवा दूंगी सारे क्वेश्चन आपको. सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? अज्यूम दैट अप्रोप्रिएट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर इंक्लूडेड एंड देर इज नो सिंटेक्स एरर. क्लास में भी करवाया था ये. ठीक, और बाकी लोग, वॉट शुड बी द आंसर?
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. ठीक है, वी हैव अ स्ट्रिंग एस, वी हैव स्ट्रिंग एस, एंड स्ट्रिंग एस में आप क्या लिख रहे हो, वी हैव ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच इज ऑल्सो देयर. ठीक है, एच इज ऑल्सो देयर. नाउ सबस्क्रिप्ट लिख लेते हैं, इट इज जीरो. पेन भी थोड़ा इश्यू कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं. सो वी हैव जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. नाउ दे आर सेइंग कि परसेंटली मीनिंग इज दैट वी हैव टू प्रिंट द कैरेक्टर कैरेक्टर द एड्रेस ऑफ एस थ्री. एस थ्री क्या बनेगा, दिस, एंड देन वैल्यू वैल्यू एट दैट लोकेशन इज डी. सो इट विल प्रिंट थ्री. ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रिंट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस एड्रेस प्लस फोर्थ लोकेशन. सो बेस एड्रेस इज गिवन 1000, दिस इज द 1000, एंड यहाँ से जो प्लस फोर करोगे तो आप यहाँ पहुंचोगे. सो हेयर वी शुड हैव टू प्रिंट द स्ट्रिंग स्टार्टिंग ई एफ जी एंड एच. देन यू हैव परसेंट यू. परसेंट यू वी यूज फॉर प्रिंट द एड्रेस. एंड एस S is a array name. S is a string name. So it will always point to the base address. So when we are writing S, it will print 1000. ये आपका 1000 print करेगा. So this is your answer. ठीक है, आपका answer होगा. Which of the following in C++ is inherited in a derived class from the base class? Constructor, destructor, data members and the virtual methods. So yes, constructor, destructor cannot be inherited, only data members. Very good. Okay. Now solve this. X equal to 7.5 and then J is equal to minus 1, N is 1.0, 2.0. Minus minus X. Minus minus X मतलब 7.5 को decrement करना है, plus करना है J से. The J value is minus 1.0 is equal to X. X का value कितना है? Again 7.5 is greater than equal to. ठीक है, greater than N. Greater than N. So N value is 1.0 and it should be greater than equal to M. ठीक है, ये आपका किसका होना चाहिए, it should be greater than equal to M. That is बन गया, यही equation आएगा. तो value of X that is 7 point N should be greater than N
एन कितना है 1.0, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम इज 2.0। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव एक्स माइनस माइनस हाईएस्ट प्रायोरिटी देखना होगा, प्लस जे, देन वी हैव कंपैरिजन, देन वी हैव कंपैरिजन एंड देन वी हैव कंपैरिजन। सो हियर वी हैव थ्री कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, यहाँ आपके तीन कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। वन इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड अनदर इज योर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पहले किसको सॉल्व करोगे, पहले किसको सॉल्व करोगे, अभी आपको प्रेसिडेंस ऑपरेटर आप बताइए, वी विल सॉल्व फर्स्ट। फर्स्ट वी विल सॉल्व डिक्रीमेंट और अरिथमेटिक, और विच ऑपरेटर शुड बी सॉल्व फर्स्ट, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है। सो पहले तो आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर, यस, प्री डिक्रीमेंट विल बी सॉल्व, देन आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर विल सॉल्व, देन यू हैव, ठीक है, देन यू हैव लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन यू हैव दिस कंपैरिजन, ठीक है, तब आपका ये कंपैरिजन होगा एंड फाइनली यू हैव द लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, आप सभी ने सॉल्व तो किया होगा। ओके, सो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी विल सॉल्व द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वॉट एवर वी हैव अरिथमेटिक इनइक्वालिटी एंड देन इक्वालिटी। ठीक है, सो हियर वी विल सॉल्व माइनस माइनस एक्स पॉइंट जीरो, दैट विल गिव यू 6.0, 6.0 जे वैल्यू वॉज माइनस 1.0, सो इट विल बिकम माइनस 1.0, देन वी विल सॉल्व दिस कंपेरिजन, ठीक है, एंड इट इज लेफ्ट टू राइट एसोसिएटेड, सो आई विल फर्स्ट कंपेयर 6.5 शुड बी, ठीक है, अभी ये आपको इक्वेशन मिला, अगेन वी विल सॉल्व द अरिथमेटिक, सो इट विल गिव यू 5.5 इक्वल टू, नाउ फ्रॉम दिस सेक्शन भाई 6.5 इज ग्रेटर देन 1.0, आंसर मिलेगा यस इट इज 1, एंड वेदर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.0, इट इज 0, ठीक है, ये फॉल्स है, सो इट विल बी 0, सो नेक्स्ट वेदर 5.5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन विल बिकम 0, सो आंसर विल बी 0, ठीक है, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन C++, व्हेन वी राइट द ओवरलोडेड फंक्शन वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूसेज, व्हेन वी राइट द फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस, इट इज डिफिकल्ट टू डिबग मैक्रो, टेम्पलेट्स आर मोर इफिशियंट देन मैक्रोस। वेरी गुड नीतू मैम, तो देखिए इट वाज मार्क्स टू ऑल क्वेश्चन, ठीक है, देखिए टेम्पलेट टेक्स लॉन्गर इज बिकॉज यू कैन हैव अ टेम्पलेट विच इज रिकर्सिव, ठीक है, हमारे पास जो टेम्पलेट होते हैं ना वो रिकर्सिव भी हो सकते हैं, व्हाइल द मैक्रो, ठीक है, मैक्रो कैन नॉट कॉल देम सेल्फ, सो मैक्रो कैन नॉट बी रिकर्सिव, मैक्रो कैन नॉट बी रिकर्सिव एंड आर देयरफॉर लिमिटेड फॉर द सिंगल एक्सपेंशन, अदर देन दिस ऑल द स्टेटमेंट आर लाइक, ठीक है, कि व्हेन वी राइट द ओवरलोडेड फंक्शन वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूसेज, यस ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो आपको करना होगा, व्हेन वी राइट द फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस, टेम्पलेट में आप फंक्शन को एक बार ही कोड करते हैं, इट इज ऑल्सो ट्रू,
And then template, it is difficult to debug macros. Yes, it is also true, but template are not efficient than macros. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट्स आर, इन्होंने क्या बोला, द टेम्पलेट टेक लॉन्गर बिकॉज, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, द टेम्पलेट टेक लॉन्गर बिकॉज यू कैन नॉट हैव टेम्पलेट विच, यू कैन हैव टेम्पलेट विच कैन बी रिकर्सिव एंड ऑल द रिक्वेस्ट नीड टू बी जनरेटेड. जनरलाइजेशन के लिए आप टेम्पलेट का यूज करते हो. ठीक है, सो इन मैक्रो, मैक्रो कैन नॉट बी कॉल देमसेल्फ एंड आर देयरफॉर लिमिटेड फॉर द सिंगल एक्सपांशन. तो यहाँ मार्क्स टू ऑल इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कोई और आंसर दे दिया होगा. बाकी टेम्पलेट आर मोर इफिशियंट देन मैक्रोस, इट शुड बी करेक्ट. ठीक है, ये आपका करेक्ट रहा होगा. ओके, उन्होंने कुछ और मार्क्स आंसर दिया होगा. नाउ सी, व्हेन द इनहेरिटेंस इज प्राइवेट, द प्राइवेट मेथड इन द बेस क्लास आर ब्लैंक स्पेस. इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल. देखिए, मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन इज इन प्योर वर्चुअल फंक्शन. यस, सॉल्व दिस. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके. So, picking both the operator and attribute with the operation appropriate to model an object. ये क्या हो जाएगा? Encapsulation, hiding the information real method from user of object is abstraction. Using similar operation to do different thing, a polymorphism. Create class, new class from the existing one. ठीक है, this is what called. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? Inheritance. ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करती हूँ मैं, है ना. थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम. ओके, एक कॉल है, लेना होगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू, बी देयर एट 6:30 PM.